जिला अभिभावक संघ के अध्यक्ष विकेश राजपूत ने बताया कि आज गांधी पार्क कंपनी बाग में जिला अभिभावक संघ मुरादाबाद के द्वारा एक पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अभिभावकों की पुस्तकों की निःशुल्क अदला बदली की गई, जिससे अभिभावकों को नया कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। जिन्होंने उनके पास पहले से पुस्तकें जमा करा रखी थी उनको भी बदलकर पुस्तकें उपलब्ध कराई गई। काफी संख्या में अभिभावकों को पुस्तकें मिल गई हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। जैसे जैसे उनके पास पुरानी पुस्तकें आती रहेंगी वे उन सबको अभिभावकों को उपलब्ध कराते रहेंगे। उनका ये प्रयास जारी रहेगा, ज्यादा से ज्यादा अभिभावकों की निस्वार्थ भाव से मदद की जाए जिससे उनको आर्थिक मजबूती मिले। अभिभावक संघ के जिला महामंत्री राशि ठाकुर ने बताया कि अब 19 अप्रैल को बुद्धा पार्क काशीराम में भी पुस्तक मेला लगाने जा रहे हैं। उसमें काफी अभिभावकों के आने की संभावना है और उनकी कोशिश रहेगी कि उन सबको पुस्तकें एक्सचेंज करा दी जाए। जिला महासचिव मुकेश तोमर की देखरेख में अभिभावकों के कोर्स एक्सचेंज किए गए और सारी पुस्तकों को सैनिटाइज करके ही अभिभावकों को सौंपा गया। मुकेश तोमर द्वारा अभिभावकों को प्रेरित किया गया है कि वे अन्य अभिभावकों को भी इस मुहिम से जोड़े, जिससे अधिक से अधिक इसका लाभ अन्य अभिभावकों को मिल सके, ताकि 5,000 से 8,000 रुपए तक का नया कोर्स ना खरीदना पड़े। कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया। हमने जिला अभिभावक संघ मुरादाबाद की तरफ से एक बुक एक्सचेंज मेला लगाया है। ये ठीक है, ये हमारा सेकंड बार का मेला है। इससे पहले हमने गंज बाजार में भी घास मंडी में अपना एक मेला लगाया था, वहाँ पर भी बहुत अधिक उसमें अभिभावकों ने आकर के अपना सहयोग प्रदान करा था। इसमें हमारा कुछ नहीं है, बस बुक्स आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करा रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ वो अपनी आकर के एक दूसरे से बुक एक्सचेंज कर सकते हैं। इस कोरोना काल में जिस तरह से अभिभावकों पर उनका रोजगार गया है, हर चीज़ों से उनको हुआ है, तो नुकसान तो उसमें है, तो थोड़ा सा उनको राहत मिल जाए क्योंकि स्कूल की तरफ से तो उन्हें कोई राहत मिली नहीं है फीस के उसमें। तो यह बुक्स का जो कोर्स उनका 5,000 से 8,000 रुपये का आ रहा है, तो उसमें उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, आपस में एक्सचेंज करके उनको कुछ रुपये का फर्क आ जाए। जो 7 से 8,000 रुपये का उनका बुक्स का खरीदने में कोर्स खरीदने होता है, तो पुरानी बुक्स से उनका काम, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो नई बुक्स का ऐसा भी कोई वो नहीं है कि उसी से पढ़ाई होगी। ऑफलाइन के अंदर तो चलता है कि कोर्स लेना पड़ता है, मगर ऑनलाइन में तो की बुक्स यूज़ हो जाएंगी, तो सुन थोड़ा अभिभावकों का किस तरह से सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, अभिभावकों का पूरा सहयोग है क्योंकि ये बुक्स हमने कहीं से कोई परचेज़ नहीं करी है, ये अभिभावकों ने ही हमें दी हैं, क्योंकि उनकी यूज़ थी नहीं, उन्होंने हमारे को दे दी। और जिन अभिभावकों को चाहिए उसके लिए वो आकर के यहाँ से हमसे ले जा रहे हैं संपर्क करके।